नहीं नहीं आपने तो कहा था कि सब्जी के कम हो गए, अभी 2000 रुपए कैसे बढ़ गए सब्जी के। अच्छा चलो ये देखो, मैं ज्यादा किटकिट नहीं करता, हमारे घर में अभी सगाई है, अच्छा काम है। चलो दे दिए मैंने 2000 रुपए, पर सगाई के बाद सबको खाना मिलना चाहिए, वो भी टाइम पे आना चाहिए खाना। हॉट लग रही हो, आपको नहीं रखिए, मैं आपको भेज दो पैसे और जल्दी लाना खाना। आप भी आज डैशबोर्ड लग रहे हो, डैशिंग टेस्ट है। वैसे खाने पीने का इंतजाम हो गया है ना? हाँ खाने के ऑर्डर दे दिए मैंने, अभी वो बोल रहे हैं एन वक्त पे 2000 रुपए और लगेगा सब्जी का, पता नहीं ऐसा क्या डालने वाला है सब्जी में। मैंने बोल दिया भेज दूंगा। जाने दो, अभी ऐसा करती हो, आपको पता है ना इन वक्त पे कुछ ना कुछ बोल देते। और लड्डू की ऑर्डर भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, सगाई के बाद सबको खाना मिल जाएगा और लड्डू भी दे देंगे। ओ सुनिए ना, 10 किलो लड्डू की ऑर्डर और दे दीजिए। तुम्हें क्या पूरे शहर को बांटने हैं लड्डू? नहीं हो, मेरे मायके भेजने पड़ेंगे ना, वहां से कोई नहीं आ रहा, पर लड्डू तो जाने चाहिए इधर से। एक काम क्यों नहीं करती, तुम्हें चले जाओ ना मायके। टेढ़ा मेढ़ा मुंह मत करो, शीला को उठाओ जल्दी, आज सगाई है। हाँ शीला, शीला, ओ शीला भाई उठिए जल्दी, सगाई आज आपकी। भाभी सगाई मेरी होने वाली है, पर मुझसे ज्यादा एक्साइटेड आप दिख रही हो मुझे। शीला तुमको तो पता है ना मेरा नेचर कैसा है, जब भी कोई फंक्शन होता है ना सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे होती है। कोई ऐसी बात नहीं भाभी, मुझे सब पता है, आप फूले नहीं समारी क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जाने वाली हूँ ना। नहीं नहीं शीला ऐसी क्या बात कर रही हूँ, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, हाँ माना मैं थोड़ी सी हूँ पर इतनी नहीं। उठो ना। सुन भाई क्या हुआ? ससुर जी देखिए ना शीला उठ नहीं रही अभी, उसको नहाना है धोना है खाना है पीना है, उसके बाद मेकअप करना है फिर से। शीला क्या बात है, आज उठने की इच्छा नहीं हो रही ना? नहीं हो रहा है पापा मुझे उठने का मन। वैसे एक सच बात बोलूं, मुझे भी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही तुम्हारी सगाई करो। सगाई कैंसिल। पर देखो शीला ये समय सबकी जिंदगी में आता है, इसको ऐसे उदास होके नहीं हंस के सेलिब्रेट करना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड है ये। हाँ वो बात अलग है, तुम जब शादी करके इस घर से जाओगी तो घर बहुत सुना सुना हो जाएगा। शीला रियली वी डेफिनेटली मिस यू। और बेटी के विदाई का जो दुख होता है वो बाप से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता। इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए, दूर सात समंदर पार नहीं ऊपर के फ्लोर पे जाने वाली है वो। ये क्याकड़ा है? चिल डाउन, कूल ठंडा ठंडा बर्फ, जाने दीजिए, आज देखिए बहुत अच्छा दिन है, घर में कार्यक्रम है, छोड़ दीजिए उसको। हाँ ससुर जी जाने दीजिए, वैसे भी आज शीला की जिंदगी का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। किसको कहाँ से इम्पोर्ट किया है पता नहीं। हाँ आँख में कुछ चला गया, आँख में कुछ गया, इधर आइए, खुलिए आप, खुलिए सा। मैं अंदर से जाऊँ रे, आँख निकालेगी क्या बाहर? सॉरी सॉरी करती है, हाय थूक रही मेरी आँखों में। शीला जल्दी जाओ ना धो लो, मधुरा आती होगी तुम्हारा मेकअप करने के लिए। कौन? वही क्या जिसने मेरी आईब्रो उड़ाई थी? हाँ वही। नहीं करना मुझे उसके हाथों से मेकअप। देख शीला कोई चॉइस नहीं है, अभी तुझे मेकअप तो वही से करना पड़ेगा, वो सिटी की सबसे अच्छी ब्यूटीशियन है। ओहो ये आप फड़फड़ कर रहा है, इसका मतलब कोई आने वाला है। सोसाइटी में इतनी सजावट, लगता है कोई फंक्शन होने वाला है। बॉडीगार्ड है? हेलो काले सूट वाले, पहचाना कि नहीं मुझे? इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। जोया जी, ओ जोया जी जरा बाहर आई है, जल्दी जल्दी। कहाँ गया था, क्या काम करने गया था, किस लिए गया था, हुआ कि नहीं काम बोल। मैं कहाँ पे गया था, मेरा क्या काम था, हुआ कि नहीं,
ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। ए, भाव मत खा समझा ना, ये एटीट्यूड ना मेरे सामने नहीं दिखाने का। सब पता है तेरे साथ सोसाइटी में क्या क्या हुआ, सबके सामने जोया के चांटे खाया तूने। सुमित्रा जी, क्यों आप बार बार वो थप्पड़ का जिक्र करती हो? क्योंकि मेरे दिल को सुकून मिलता है। हाय दया, शुरू हो गया लगता है इसका। सच में ये सुमित्रा एक दिन बहुत मार खाएगी। चर्मिला जरा इधर तो आओ। क्या हुआ? ये देखो। आखो भाई, आ क्या कह दो एक लवर। कब आया? बस अभी अभी। आपका जो काम था वो हो गया? हाँ, हो गया मेरा काम, इसीलिए तो मैं वापस आया। आपको देख के अच्छा लगा। मुझे भी सोसाइटी में वापस आके अच्छा लगा। मैं जाने के बाद सोसाइटी में कोई खतरा तो नहीं आया ना? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सुन के अच्छा लगा। मैं यही जानने के लिए वापस आया था। मुझे ऐसा लगता है अब मेरी सोसाइटी का कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं सोसाइटी छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे कैसे? जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तू कहीं नहीं जाएगा। शादी? किसकी शादी? डर मत, तेरी शादी की बात नहीं चल रही। वो अपना कौन सा अभी नया कपल बनाया? शीला और अभिजीत की शादी होने वाली है, उसकी बात कर रही हूँ मैं, तेरी शादी की नहीं। तेरी भी करेंगे पर बाद में, अभी नहीं, अभी एक ही हो जाने दो। ये देख अभी आ गए तो वो सब फंक्शन हो जाने के बाद ही जाना। शादी हो जाने के बाद ही जाना? सब इतना बोल रहे हैं तो फंक्शन हो जाने के बाद ही जाइए। ठीक है, जैसा आप कहो। तेरा भी करेंगे बाद में फंक्शन। एक मिनट, अभी शीला के बाद जोया का नंबर, फिर शर्वरी का कब आएगा? यहाँ आएगा ही नहीं उसका। हेलो बच्चा, आप ही की सगाई है ना, मुझे कॉल आया था, सुबह आपके भाभी ने कॉल किया था, मेकअप करना है आपको सगाई का। बाय द वे, आई एम मधुरा, हाउ आर यू? आई एम गुड। बाय द वे, पहचाना कि नहीं मुझे? मैं आपको जानती हूँ, पहचानती हूँ। आप मुझे जानती हो या फिर भूल गए? नो, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, ना आपको भूली हूँ ना आपके कारनामों को। आपकी शादी होने वाली है, मुझे मेकअप का बहुत सारा पैसा, अब मुझे मेकअप का बहुत सारा काम मिलने वाला है, इसलिए आ गया बच्चा। कॉन्ग्रेचुलेशन। आई एम नॉट बच्चा, ओके, कॉल मी शीला। वो क्या है ना, मैं मेरे हर क्लाइंट को ऐसे ही प्यार से बोलती हूँ, बच्चा। मेरे सामने नहीं चलेगा आपका ये शुगर कोटिंग, मेरा जो नाम है वही लेके बोली है। ठीक है बच्चा, ठीक है शीला, मैं तुमको शीला ही बुलाऊंगी। अच्छा सुनो ना, ये बैतू की बातें छोड़ देते, काम की बात करते। काम के लिए आई हूँ मैं, कौन सा लुक करना चाहोगे तुम? मुझे नॉर्मली मेकअप करना है, ज्यादा मेकअप मुझे पसंद नहीं, इनफैक्ट मेकअप मुझे पसंद ही नहीं, नॉर्मल मेकअप कीजिए। और हाँ, इस बार आईब्रो की तरफ जाना भी मत आओ। मैं तो कहती हूँ इस बार एक नहीं दोनों आईब्रोज उड़ा दो। मम्मी क्या बोल रहे हो आप? अगर तेरी दोनों आईब्रोज उड़ी तो सगाई कैंसिल हो जाएगी ना। ये देखो मम्मी, मुझे अब ये सगाई नहीं रोकनी है, मैं ये करूंगी मेरे लिए नहीं पापा के लिए। तू कब से पापा की परी बन गई? करो करो सब अपने ही मन की करो, बुढ़िया की कोई और लैला की कोई सुनो ही मत। आप क्या मुंह देख रही है, जल्दी से मेकअप कीजिए। तैयार हो गए? तुक्का, कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने कल ही कहा था ना, तुम्हारे ऊपर डार्क कलर बहुत सूट करता है। वो गधी शर्वरी, येलो अच्छा दिखेगा, येलो। येलो तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट नहीं करता, मुझे पता है ना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ये कलर तुम्हारे ऊपर बहुत सूट कर रहा है। हाँ माँ, अच्छा है। चलो जल्दी जल्दी तैयारी करो, अभी नीचे जाना पड़ेगा सोसाइटी हॉल में।
फंक्शन तो एवरेज ही लग रहा है, इतना कुछ खास नहीं है। हाँ एवरेज ही है, बिलो एवरेज है, बिलो एवरेज भी नहीं। वैसे शीला अभिजीत की जोड़ी भी इतनी खास नहीं है, उनके हिसाब से सारा। एक बात बोलू, मेरी तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी कल जो हुआ उसके बाद इस सगाई में आने की। तो निकलो चलो। क्यों आई आप अगर आपकी इच्छा नहीं थी तो? वो अभिजीत की मम्मी जी बहुत फोर्स कर रही थी, बहुत। तो मैंने सोचा इतना कोई फोर्स कर रहा है उसका मना भी कैसे कर सकते हैं, ऊपर से एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं, अभी सुख दुख में एक साथ रहना ही पड़ता है, तो आ गई मैं। हाँ उनका नेचर काफी अच्छा है, आते ही धमाका कर दिया, मेरी तो फेवरेट है वो। खाने का क्या सीन है वो भी नहीं पता, बोल रहे सगाई के बाद मिलेगा, खुशबू तो आ भी नहीं रहे। इसलिए मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ची पाउडर। हाँ ए, वो देखो वहाँ पे। क्या जब से आया तब से जोया के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे कर रहा है, देखो देखो जोया को देखो कैसे हंस रही है, हु हु करके हमारे साथ ऐसे करते हैं, और उसके साथ देखो बड़ी चालू है जोया। सोसाइटी के गार्डन में नए फूल खिल रहे हैं, कहीं इन दो फूलों का हाल भी शर्वरी अभिजीत जैसे ना हो जाए। क्या तुम बे ऐसे बातें मत किया करो, जरा शुभ शुभ बोलो, पहले देखो क्या हो रहा है, जो सोचा भी नहीं वो आए है। शीला अभिजीत की सगाई, किसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैनर्सलेस। ए वशमन चंपनी आई क्या? मैंने उसको बोला था पर डॉक्टर ने उसको छुट्टी ही नहीं दी तो इसलिए वो नहीं आए, पर शादी में जरूर आएगी वो। शादी में ला नहीं पड़ेगा, नहीं तो एंट्री नहीं दूंगी मैं। हाँ अरे शर्मिला जी इधर इधर। पहचाना कि नहीं मुझे या फिर भूल गई? नहीं नहीं आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं, आप तो हमारे चीफ गेस्ट हो। नहीं ये तो हम कुछ भूल गई है। रुक बेटा रुक, क्या बोली आप? चीप है हम। ये भी कोई पूछने की बात है? चीप चीप वो होता है ना वो सबसे जरूरी। अच्छा आप चीफ बोलना चाहती हो, वो चीफ होता है, चीप चीप का अर्थ बहुत गलत है। अच्छा वो चीफ, तो फिर चीप क्या होता है? इसके जैसे लोग। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आप सबका स्वागत है मेरी बुआ की सगाई में, तालियां बजाइए। तो जैसे कि आप जानते हो आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही शुभ अवसर पे, आज के दिन मेरी बुआ की सगाई है, और मैं ये चाहती हूँ आप सब बस थोड़ा और वेट कर लीजिए, अभी दुल्हा और दुल्हन होने वाले आते ही होंगे। शर्मिला बुलाओ जल्दी सबको, मुहूर्त निकल जाएगा, टाइम हो रहा है। अभी श्वेत जल्दी आ, अभी तो तैयार हो गया था, पता नहीं क्या कर रहा, आता ही होगा वह। अभी श्वेत अभिजीत के ऊपर कोई ब्राइट कलर बहुत अच्छा लगेगा, जैसे कि येलो। सुन भाई मुहूर्त निकला जा रहा है, शीला कहाँ पे है? ससुर जी वो अंदर मेकअप कर रहे, मधुराई है ना उसका सगाई का लुक कर रहे, आते होंगे बस। हेलो मैं आप सबकी प्यारी मधुरा, आई एब्सोल्युटली लव यू। देखिए थोड़ा मेकअप के लिए देर हुआ इसलिए आई एम रियली सॉरी, पर मेकअप जो बन के निकला है, जो दिख रही है आपकी जो होने वाली दुल्हन है वट एवर उसका नाम, बहुत बस मुहूर्त निकला जा रहा है ना। शीला आ जाओ, देरी के लिए फिर से एक बार माफी चाहती हूँ। खुद का याद है बस इसका। आज तो शीला बिजलियां गिरा रही है। दोनों आ चुके हैं और मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी समय न गवाते हुए हम सगाई का प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। यार
पहना। के बाबू, सच में होगी क्या इनकी सगाई? हो गई, अब सगाई कोई नहीं रोक सकता, हो गए अब मजे आएंगे बस। शर्मिला रिंग दो ना जल्दी। श्रेया बुआ को अंगूठी कहाँ गई? रिंग क्या हुआ सुन भाई, अंगूठी कहाँ है? ससुर जी वो रिंग यहाँ पे रखी थी मैंने, मिल नहीं रही अभी, कहाँ गई? क्या बात कर रही हो शर्मिला, तुमको पता नहीं रिंग का है? ऐसा कोई करता है? सगाई में सबसे इम्पोर्टेंट रिंग होती है शर्मिला, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? अगर सगाई नहीं हुई मेरे चिप्स का क्या होगा? शर्मिला जी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हो आप? सॉरी फॉर कन्वीनियंस। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, रिंग गायब हो गई बाबा। सगाई में अंगूठी गायब? आ करो आप। क्यों? इतना बड़ा मुंह है उसके अंदर चली गई होगी तो। शीला जरा देख तेरे पास है क्या, मैंने तुझे दी थी क्या? मुझे नहीं पता अंगूठी कहाँ पे, आपने मेरे पास नहीं दी थी। लगता है मैंने कहीं पे देखी है। जोया जी कहीं आपने तो रिंग नहीं चुराई ना? क्या बात कर रही हो आप, मैं क्यों लूंगी रिंग? नहीं आप क्या क्या कर रहे हो ना, जब से सगाई फिक्स हुए मुझे सब पता है। देखिए मैंने कोई रिंग नहीं ली है। देखिए अगर वो बोल रही है उन्होंने रिंग नहीं ली तो उन्होंने नहीं ली होगी, आप ऐसे किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। एक हैरत के वकील, तेरे साथ कोई बात तो नहीं कर रहा समझा ना, जब देखो तब आ जाता है, तू क्यों उसकी साइड ले रहा है? रहने दीजिए उनसे बात करके कोई फायदा नहीं है। बराबर कहा आपने, ऐसे लोगों को इग्नोर करना। तू क्या मुझे इग्नोर करेगा, मैं तुझे इग्नोर करती हूँ बिकॉज मैं ब्रांडेड, मेरी बेटी ब्रांडेड, मेरा बेटा ब्रांडेड, तू नहीं ब्रांडेड, इग्नोर यू। सगाई में फटाकड़े फोड़ने की तो जरूरत ही नहीं। हाँ ना, बंदूक नहीं चलाने का, सगाई का घर है, सगाई के घर में ऐसा बंदूक चलाता है, तू बेशरम। इसको किसने लाया रे सोसाइटी में, किसने लाया इसको? वापस भेजो, जहां से आए वहां भेजो इसको, कभी भी डिस्काउंट कर दे। इधर मुझे गुपकन हार्ट अटैक आ गया तो देखो क्या रही अंगूठी। रुको शर्वरी, क्या हुआ? इधर दो वो अंगूठी। पर क्यों? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, हम ये रिंग वापस लेके नहीं जाएंगे, छुपा के रखेंगे। अगर ये रिंग ऐसे छुप गई तो शीला अभिजीत की सगाई टूट जाएगी। तुम भी तो यही चाहती हो ना कि उनकी सगाई टूट जाए, बोलो बोलो बोलो। मैं तुम्हारे दिल में झांक के देख सकती हूँ अभिजीत के लिए प्यार। अगर तुम सच्चा प्यार करती हो तो अभी इसी वक्त ये सगाई को तोड़ दो। पर क्या पर? पर कुछ नहीं होता, तुमने प्यार किया है अभिजीत से, प्यार है कोई खेल नहीं, तुम्हें अपना प्यार साबित करना ही पड़ेगा शर्वरी। यह बहुत अच्छा मौका है, इसको बाकी मौकों की तरह गवा मत देना। अब ये रिंग बिल्कुल मत देना, नहीं देना ये रिंग। मैं दूंगी। तुम क्या छोटी बच्ची हो, तुमको समझ भी नहीं आ रहा इतना सब तुम्हारे लिए कर रहे, तुमसे एक काम ढंग का नहीं होता, बस अभिजीत को जाके अपने प्यार का इजहार करना, वो भी तुमसे नहीं हो रहा। माना मैं अभिजीत से प्यार करती हूँ पर शीला भी इस सब में अब है, मुझे उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मैं ऐसे सबके सामने जाके ये नहीं बोल सकती मैं अभिजीत से प्यार करती हूँ, फिर शीला का क्या होगा? ऐसे ही दिलदार बनो तुम, और कुछ नहीं होगा, बाकियों का नहीं खुद का भी सोचो कब है, अगर खुद के लिए नहीं सोचोगी तो कहीं नहीं जा पाओगी। ललिता कहीं तुमने तो अंगूठी नहीं चुराई? अरे क्या, मैं मेरे ही घर में चोरी करूंगी? है दुक्का, जल्दी से जल्दी रिंग मिल जाए और यह सगाई हो जाए, सगाई में ऐसी बाधा मत ला दुक्का माँ। रिंग यहाँ पे है। शीला अपने ही प्यार का सौदा करने चली आ? क्या बयान, कुछ भी क्या बोल रहे हो, सौदा क्या सौदा, हाय बड़े दिल वाले हो। हाँ इसीलिए अपने प्यार को किसी और के हवाले कर रही है, बेशरम है की हिम्मत ही नहीं है इसमें। प्यार करते हैं प्यार, देखो इनका प्यार।
प्यार की बलि चढ़ा रही है। प्यार करती हूँ मैं अभी जिसे प्यार। क्या सच में सगाई हो गई? इन दोनों की सगाई हो गई? सच में हो गया है। मुझे चिमटा निकालो। आप ही ने बोला था चिमटा निकालो।